टी20 वर्ल्ड कप को लेकर खबरों का बाजार गर्म है और क्रिकेट के गलियारों में मानो कि टी20 वर्ल्ड कप की ही चर्चा हो रही है। जी हाँ, टी20 वर्ल्ड कप में अब एक महीने से भी कम का समय बचा है। ऐसे में सभी टीमें एक के बाद एक कर अपनी टी20 टीम के स्क्वाड का अनाउंसमेंट कर रही हैं। ऐसे में इंतजार था उस टीम को लेकर जिसके देश में ये टी20 वर्ल्ड कप खेला जा रहा है, यानी कि यूएसए और वेस्टइंडीज। अभी तो वेस्टइंडीज की टीम ने अपने टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड का अनाउंस कर दिया है। आपको बता दें, इस टीम में बड़े दिग्गज हैं, साथ ही साथ विस्फोटक खिलाड़ियों का नाम भी शामिल है। तो आपको वेस्टइंडीज की टीम बता दें, रोमन पॉवेल, अल्जारी जोसफ, यानी कि रोमन पॉवेल को कप्तानी की जिम्मेदारी मिली है, वही अल्जारी जोसफ वाइस कैप्टन है। वहाँ पे आपके जॉनसन चार्ल्स हैं, रोस्टन चेज हैं, सिमरन हेटमायर को मौका मिला है, जेसन होल्डर है, शे होप है, अकील हुसैन, आपके देखिए शमार जोसफ है, यहाँ पे ब्रेंडन किंग, आपके देखिए गुडाकेस मोटी, निकोलस पुरन, आंद्रे रसेल, रदरफोर्ड और रोमारियो शेफर्ड। इस टीम की बात करें तो इस टीम में एक से बढ़कर एक पावर हिटर है। मैच फिनिशिंग के साथ साथ आपके पास क्लासिकल खिलाड़ी भी हैं, जैसे कि शे होप हो गए, आपके ब्रेंडन किंग हो गए, टीम को ये स्टार्ट दिलाएंगे। वही आपके फिनिशर की बात करें तो इस टीम में निकोलस पुरन की जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिलेगी, प्लस रोमन पॉवेल का वो जो कहते हैं कि कप्तान के साथ साथ मैच को फिनिश करने की जो आपके पास कैपेबिलिटी है वो रोमन पॉवेल के पास है। इसके साथ ही साथ आप देखिए आंद्रे रसेल है, शमार जोसफ का नाम भी इस टीम में आपके लिए आया है तेज गेंदबाजी के ऑप्शन में। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए रदरफोर्ड है, अगर गेंदबाजी की बात कर ले तो यहाँ पे आप देखिए रोमारियो शेफर्ड है। और इस टीम में जिस तरीके से आप देखें तो ज्यादा ऑलराउंडरों को मौका मिला है, आपके बॉलिंग में आपके जेसन होल्डर को, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज, ऑस्ट्रेलिया के टी20 सीरीज में जेसन होल्डर का नाम नहीं था, उसके बाद जेसन होल्डर का कमबैक हुआ है। शिमरन हेटमायर बल्लेबाजी में दिखेंगे, प्लस आपके गुडाकेस मोटी हो गए, और जिस तरीके से आपके रोमारियो शेफर्ड है, तो ऑलराउंडर्स की भूमिका आपकी वेस्टइंडीज के स्क्वाड में देखने को मिल रही है। बॉलिंग के मामले में आंद्रे रसेल खुद में एक बड़ा नाम है जो बैटिंग और बॉलिंग से आपको जीत दिला सकते हैं। अगर वेस्टइंडीज के शेड्यूल की बात कर ले तो वेस्टइंडीज का पहला मैच वेस्टइंडीज को पपुआ न्यू गिनिया के खिलाफ 2 जून को खेलना है। वही वेस्टइंडीज अपना दूसरा मुकाबला युगांडा के खिलाफ 9 जून को खेलेगी। वही वेस्टइंडीज अपना तीसरा मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ 13 जून को खेलेगी। वही चौथा मुकाबला वेस्टइंडीज को अफगानिस्तान के खिलाफ खेलना है। अगर बात करें शुरुआती मैचों की तो वेस्टइंडीज को शुरुआती मैचों में तो कोई परेशानी होने वाली नहीं है। अगर बात करें न्यूजीलैंड के खिलाफ तो न्यूजीलैंड की टीम थोड़ी टक्कर दे सकती है, लेकिन वेस्टइंडीज के पास दमदार पावर हिटर के साथ साथ लंबी बैटिंग लाइनअप है। टीम के सामने समस्या है कि टीम की बॉलिंग थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही है, क्योंकि अगर आपके मुख्य गेंदबाज की भूमिका में देखें तो आपके वाइस कैप्टन अल्जारी जोसफ है, वहां पे शमार जोसफ आपके होंगे, तो दोनों बंधु जोसफ बंधुओं की जोड़ी दिखेगी। प्लस उसके साथ साथ आप देखिए जेसन होल्डर का एक्सपीरियंस मिलेगा, और आपके स्पिन में मोटी हैं, वो टीम को स्पिन की भूमिका दिखाएंगे। तो ऐसे में टीम काफ़ी सॉलिड दिख रही है, और टी20 में जिस तरह का अप्रोच चाहिए ये टीम उस तरीके की दिख रही है। देखना दिलचस्प होगा क्या वेस्टइंडीज अपनी धरती पर शानदार तरीके से प्रदर्शन करके इस बार का टी20 वर्ल्ड कप अपने नाम कर पाती है या नहीं।